अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाह खानजादा। पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई पार्टी, सियासी पार्टी की जब रजिस्ट्रेशन होती है, जब कोई पार्टी रजिस्टर्ड होती है, तो उसके बाद मुख्तलिफ जो बड़े बड़े मगरबी ममालिक हैं उनके अंदर उसकी तशरीह की जाती है। वहाँ पे जितने भी उनके आलाकार होते हैं, उनके जितने भी सहूलतकार होते हैं, जितने भी उस पार्टी को लाइक करने वाले होते हैं, वहाँ से वो पार्टी को फंड करते हैं। तो ये जो बैरून ममालिक के अंदर रहने वाले लोग होते हैं, उनकी स्वाबदीदी होती है कि वो किसी पार्टी के ऊपर कितना इतमाद करते हैं और वो कितना उसको फंडिंग करते हैं। तो इसी सिलसिले के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ का फॉरिन फंडिंग का जो केस था, वो इलेक्शन कमीशन ने पहले उसके ऊपर फैसला महफूज किया था, आज उनकी तरफ से वो फैसला जो है उसको सुना दिया गया है। 8 साल से ज़्यादा अरसा ये केस चला और आखिरकार चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये फैसला दिया गया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ममनुआ फंडिंग होती रही है। सबसे पहले तो नाज़रीन, जब किसी चीज़ का कोई फैसला होता है तो जो बंदा फैसला कर रहा होता है ना, उसकी नेक नीति को देखा जाता है कि आया कि दोनों पार्टीज़ को, यानी जिसके खिलाफ फैसला होना होता है और जो फैसला करवाना चाहती है, उसके दरमियान जो पुल का किरदार अदा कर रहा होता है, जिसमें ये चीफ इलेक्शन कमीशन है, इसके ऊपर दोनों बंदों को इत्माद है या नहीं है। अगर इत्माद हो तो फिर उसका फैसला वैलिड होता है, अगर उसका इत्माद नहीं है तो एक जनरल सी बात है, उसके फैसले को नहीं माना जाता। तो ये जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये तो आप ढकी छुपी बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं, ये तो नून लीग का जो है वो उनका खास आदमी है, उनका अपना ही बंदा है। इनके शब रोज जो है वो नून लीग के टुकड़ों के ऊपर ये बेचारा पड़ रहा है। तो इसने यही फैसला करना था, क्योंकि इनके पास अब इमरान खान की मकबूलियत को, इमरान खान की सियासत को जो है वो ख़त्म करने के अलावा और कोई चीज़ है नहीं। लेकिन होना इससे भी कुछ नहीं है, क्योंकि इमरान खान की सियासत ने सब चोरों को, डाकुओं को, इश्तहारियों को, फरारियों को, बूट पालशियों को, मालशियों को, दबेलचियों को, ढोलचियों को, जितने भी इनके दरबारी थे, सबको पिछाड़ के रख दी है। जो कहते होते थे कि जनाब जरदारी बहुत भारी है, आज वो बेचारे तकड़ी के एक पड़ले के अंदर खड़े होकर अपना वजन करते हैं और देखते हैं कि जनाब जरदारी कितना भारी है, इमरान खान का जो हमारे ऊपर एक दबाव है उससे हमारा कितना वजन बढ़ गया है। तो ये इनके पास एक कार्ड था जो इन्होंने इस्तेमाल किया है, और ये भी इसके अंदर इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इससे पहले भी यहूदी कार्ड का इस्तेमाल हुआ, वो ख़त्म हो गया, औरत कार्ड का इस्तेमाल इन्होंने किया, वो ख़त्म कर दिया, मजहब कार्ड का इस्तेमाल हुआ वो भी ख़त्म हो गया, चौधरी सरवल भी फेल हो गया, अलीम खान भी फेल हो गया, फर्रा वाला ड्रामा भी इनका फ्लॉप हो गया, तोशाखाना वाला मामला भी इनका ख़त्म हो गया क्योंकि ये खुद चोर थे, जंगीर तरीन भी बेचारा फेल हो गया, शाहिद अफरीदी भी फेल हो गया, उसके अलावा ड्रामा सीरियल तैयबा गुल थी वो भी फ्लॉप हो गया, ड्रामा सीरियल आयशा गुला लई थी वो भी फ्लॉप हो गया, मुस्तफ़ा कमाल की जो बातें थी वो भी सिर्फ स्पीकरों तक ही थी, उसमें भी कुछ ना निकला, मल्क रियाज जो था वो भी पूरी तौर पर फ्लॉप हो गया, काल लीक हो गई, वीडियो लीक का जो ड्रामा इन्होंने रचाया हुआ था वो भी ख़त्म हो गया। 100% मीडिया को इन लोगों ने पैसे दे के इमरान खान की सियासत को ख़त्म करने की भरपूर कोशिशें की, अपने मनपसंद साथियों को पैसे दे के, लिफाफे दे के, तजिए करवाए, तबसरे करवाए कि किसी तरीके के साथ इमरान खान की सियासत को ख़त्म किया जाए, उसके बयानी को ख़त्म किया जाए। लेकिन इमरान खान का जो बयानिया है, इमरान खान की जो सियासत है, जिसके ऊपर भी जिन्होंने भी कोई कम्प्लीमेंट किया था, आज सभी कह रहे हैं कि यार ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे, ये आ गया। बाकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ये मौकफ था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, क्योंकि ये बड़ी जमातें हैं, इनका जो फैसला है उसको जो है वो, मतलब इलेक्शन कमीशन और हमारे फैसले का ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, इसको यानी तीनों पार्टियों को इकट्ठा सुने, उसके अंदर जो चीज़ें होंगी सो होंगी। तो मैं आपको पूरे वसूख के साथ कह सकता हूँ, नून लीग, पीपल्स पार्टी का अगर ऑडिट हो जाए, इनका पता लगा लिया जाए कि इनको फॉरेन फंडिंग कहाँ से होती रही है, तो मैं कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी काम ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब ये एम्पायर जो है, ये जो फैसला करने वाला बंदा है, ये इनका अपना है, तो इनकी मर्जी है, उससे जो मर्जी ये फैसला ले सकते हैं। तो इसके ऊपर अब अगर अपना एम्पायर खड़ा करके, अपनी मर्जी का फैसला लेके अगर नून लीग के लोग उसके ऊपर लुटियाँ डाल रहे हैं, तो फिर इनकी एक जहनी पस्तगी, मैं इसको कह सकता हूँ, और कुछ नहीं है। अब अगर इस चीफ इलेक्शन कमीशन में ज़रा भी गैरत है, तो इसको अपनी गैरत का सबूत पेश करना चाहिए। मुस्लिम लीग, जिसके ऊपर उसामा बिन लादन और ISI से पार्टी फंडिंग के इल्ज़ाम थे, उसके अलावा उसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। उसके अलावा ये जो डिजलेंटू है और दूसरे मुल्कों से ये फंड लेता था, इस्लाम के नाम पे लेता था, पार्टी फंडिंग के नाम पे लेता था, इसको भी नोटिस जाना चाहिए, इसकी भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी का सिर्फ मैं कहता हूँ ऑडिट ही हो जाए कि इसने बाहर से कितने पैसे लिए हैं, तो ये सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये भी एक ड्रामा है इन लोगों का, इस ड्रामे ने भी गुजर जाना है, इसमें से इन्होंने कुछ भी इनको नहीं मिलना। तो बाकी जिस तरह सारे कार्ड खत्म हो गए, इस कार्ड ने भी खत्म हो जाना है, मिलना इनको कुछ भी नहीं है। ये 17 पार्टियाँ, इन्होंने आपके अंदर ही उलट उलट के मर जाना है, इनके पास कोई बयानियाँ है नहीं और होगा भी नहीं। तो इस सारी सूरत के आज तो यही दान चला गया, फिर किसी लोग में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।